Vayam Prabha, Digital India, Educated India. डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू आई हैव चोजन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने प्रस्तुतिकरण का विषय हिंदी रखा है और भारतीय संविधान जो संवैधानिक विधि है उसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपने व्याख्यान तैयार करने का प्रयास किया है तो प्रथम भारतीय संविधान का जो प्रथम लेक्चर है वह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं व्हाट आर द दैलियन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है आप देखें अगर सिलेबस उठा करके अनसॉल्व पेपर देखें तो मैं समझता हूँ कि आप ये पाएंगे कि इसी को देख करके आप को लगेगा कि निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में चाहे वह सिविल सेवा हो या न्यायिक सेवा की परीक्षा हो आपको यह देखने को मिला मैं उसी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और विशेषकर सिविल सेवा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये व्याख्यान तैयार किया है जिससे न केवल विधि स्नातक छात्रों के लिए बल्कि प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह ज़्यादा उपयोगी साबित हो तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ आप देखें उसको मैंने लिखा है लिखित संविधान संसदीय लोकतंत्र तीसरा है एकल नागरिकता धर्मनिरपेक्षता संघात्मक सरकार नम्यता और अनम्यता का मिश्रण स्वतंत्र न्यायपालिका वयस्क मताधिकार ये कुछ प्रमुख विशेषताएं है हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसको एक एक करके व्याख्या करेंगे पहला है भारतीय संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है वह जब हमारा संविधान 26 नवंबर एक तो ये भी आता है कि भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि और प्रवर्तन होने की तिथि डेट ऑफ एडॉप डेट ऑफ एडॉप्टेशन एंड डेट ऑफ एन्फोर्समेंट संविधान सम्था, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ और किस और भारतीय संविधान किस तिथि को पूर्ण पूर रूप से प्रवर्तित हुआ तो इसके दो अलग अलग तिथियां हैं एक तो भारतीय संविधान को जो अडॉप्ट किया गया अंगीकार किया गया वो 26 नवंबर उन्नीस है और दूसरा भारतीय संविधान के समस्त प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए ये दो आप तिथियों को डेट को याद रखेंगे प्राय यह साक्षात्कार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो आते हैं कि जो भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया उसमें विश्व के अन्य जो लोकतांत्रिक देश थे उन लोकतांत्रिक देशों से हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी बखूबियाँ जो भी अच्छाइयाँ थी विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान से उसको लेने का प्रयास किया है उदाहरण के तौर पर फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के जो प्रावधान होंगे वह अमेरिकन संविधान से लिया गया है जैसा आप सभी जानते होंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग तीन के भाग तीन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वे अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं वैसे ही राइट टू क्वेलिटी विधि के समझ सम विधि के समझ समता यह इंग्लैंड से लिया गया विधियों का समान संरक्षण देखेंगे आर्टिकल फिफ्ट में ही तो यह अमेरिका से लिया गया ऐसे ही संघात्मक व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया तो हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला हमने आपको जो बताया लिखित संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल प्रावधानों की संख्या 395 जब भारतीय संविधान बना और उस समय आठ अनुसूचियाँ थी जब हमारे भारतीय संविधान बना तो दो क्वेश्चन से भी पूछा जाता भारतीय संविधान जिस तिथि को स्वीकार किया गया उस समय उसमें समस्त प्रावधानों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है तो आपको आर्टिकल 395 समस्त भारतीय संविधान के समस्त प्रावधान आठ तीन सौ पंचानवे अनुच्छेदों के माध्यम से समावेशित किया गया और 22 भाग थे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और आठ अनुसूचियां थी एट शेड्यूल थे नाइन्थ शेड्यूल बाद में जोड़ा गया फिर दसवां अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानून से संबंधित है और इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ से जुड़ जोड़ा गया जो पंचायती राज और नगर नगर पालिका से संबंधित उसमें तो तीन हम देखते हैं कि जो चार हैं नवी सूची दसवीं टेंथ दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ ग्यारह बारह तो ये संविधान लागू होने के पश्चात नवी अनुसूची दसवीं अनुसूची इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में तो कुल मिलाकर के वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत बारह अनुसूचियाँ हैं बाईस भाग हैं और तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद थे उस समय वर्तमान में आ, कुल अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर के फोर फिफ्टी सेवन ऐसे हो गई है यह संशोधन के माध्यम से बढ़ता जैसे मौलिक अधिकार शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी वन क के अंतर्गत प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया कि फंडामेंटल राइट है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन ए बढ़ गया इक्कीस क बढ़ गया लिखित संविधान क्यों हुआ भारतीय संविधान को रिटर्न क्यों हुआ लिखित संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया कि जितनी भी सरकार के तीन अंग विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका को क्या करना है संसद हो या राज्य विधानमंडल अपने विधि निर्माण के पावर को भारतीय संविधान के अंतर्गत ही भारतीय संविधान से ही डिराइव करते हैं लेते हैं कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिकाएँ कैसे उस विधि निर्माण को विधि द्वारा बनाया विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कैसे क्रियान्वित करेंगी कार्यपालिका इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका भी अपने पावर को वहीं से डिराइव करेंगी वैसे न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट की संरचना क्या होगी अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना क्या होगी किसके द्वारा इन उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट्स के द्वारा किन कार्यों का संपादन किया जाएगा यह भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधानित कर दिया गया है तो जो सरकार के तीन अंग हैं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों को भारतीय संविधान के अंतर्गत ही भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए ही उनको अपने कार्यों का संपादन करना है इसलिए यह आवश्यकता थी कि संविधान में निर्माताओं के द्वारा संविधानिक प्रावधानों को लेखबद्ध कर देने से लिखित कर देने से किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह या डाउट उत्पन्न होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखित होने पर लिखित संविधान होने पर किसी भी संस्था को सरकार की किसी भी संस्था को कोई भी समस्या नहीं होगी इसलिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है और संविधान निर्माताओं ने इन्हीं सोच को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के प्रावधानों को 22 भागों में और आर्टिकल तीन सभी अनुच्छेद को तीन अनुच्छेद में बांटा है तो लिखित संविधान क्यों ये मैंने बताया सरकारी जो भी सरकार के तीन अंग हैं तीनों संस्थाएं है, और जो संवैधानिक आयोग हैं वित्त आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये जितने भी आयोग हैं कमीशन्स हैं ये अपने कार्यों का संघ लोक सेवा आयोग है ये अपने कार्यों का संपादन करें उनको क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है और वो तभी संभव था जब इसे लेखबद्ध किया जाता इसलिए लिखित संविधान हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी एक प्रमुख विशेषता है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है दूसरा जो दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है वह है संसदीय लोकतंत्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संसदीय लोकतंत्र और एकल नागरिकता भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र को मान्यता प्रदान करता है हम आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान चूँकि विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों से जो भी वहाँ के अच्छा अच्छे प्रावधान थे उन अच्छाइयों को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया तो संसदीय लोकतंत्र की संसद सदस्यों की जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है सदन के प्रति और लोकतंत्र हमारा जो डेमोक्रेसी है हमारी जो सरकार है वह जनता के द्वारा होगी जनता के लिए होगी जनता की होगी जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा डेमोक्रेसी लोकतंत्र की है गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। यह उस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र को संविधान के आर्टिकल सेवेंटी फाइव के अंतर्गत प्रावधानित किया कि हमारा जो गवर्नमेंट नेचर ऑफ गवर्नमेंट होगा वह पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी संसदीय लोकतंत्र होगा और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य सदन के भीतर उन जनता की मांगों को लोकतांत्रिक मांगों को सदन पटल पर रखेंगे उनके लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे यह संसदीय लोकतंत्र भारतीय संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता है तीसरा है मैंने इसको स्किन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप हमने अमेरिकी संविधान से फंडामेंटल राइट तो लिया लेकिन अमेरिका में जैसे डबल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता है एक फेडरल सिटीजनशिप है संघीय नागरिकता और एक जो प्रोविंस की है प्रांतीय नागरिकता परंतु जानबूझ करके हमारे संविधान निर्माताओं ने एक नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप रखा है आप कभी भी फार्म भरते समय देखेंगे तो नागरिकता वाले कालम में लिखा रहता है नागरिकता और नागरिकता केवल और केवल एक है भारतीय इसमें हमारे प्रांत यह एक जानबूझ के रखा गया कि एकल नागरिकता रखने इसकी किस उद्देश्य को प्राप्ति कर किस उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी तो संविधान निर्माताओं के द्वारा यह सोचा गया कि एकल नागरिकता होने से हमारा जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ के रण से लेकर सिक्किम मेघालय तक का जो नागरिक है जो भारत का नागरिक है उसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आएगी और वह राष्ट्र को एक समझेगा अगर हम राज्यों की नागरिकता को इस नागरिकता को दो भागों में बांट दें तो इससे क्षेत्रीय अखंडता की मांगें बढ़ेंगी और नागरिक जो है वह अपने को पहले वह स्टेट का नागरिक समझेगा तब वह भारत का नागरिक समझेगा तो कहीं न कहीं यह उद्देश्य जरूर रहा होगा यह उद्देश्य अवश्य रहा होगा संविधान निर्माताओं का कि एकल नागरिकता रखने से हम पूरे राष्ट्र के नागरिकों को एक सूत्र में बांध सकेंगे इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप को रखा है तीसरा ये स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की जो तीसरी प्रमुख विशेषता है वह है धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता शब्दावली भारतीय संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है वह भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार उस मान्यता को प्रचार प्रसार करने की गारंटी प्रदान करता है जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म के अनुसार प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है स्टेट किसी भी व्यक्ति को राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने के लिए धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और ऐसा इसलिए भी संभव है कि भारत जैसे विशाल भौगोलिक राष्ट्र को भारत जैसे विकास विशाल देश को एक सूत्र में रखने के लिए आवश्यक था संविधान निर्माताओं के द्वारा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को एक सूत्र के रूप में पिरोना जिससे कि क्षेत्रीय अखंडता की मांग या अलगाववाद की मांग को कम किया जा सके भारतीय संविधान में निर्माता इस बात से भली बात अवगत है कि आज़ादी के पश्चात भारतीय नागरिकों को एक रख पाना यह तभी संभव होगा जब हम इस बहुलवादी समाज को जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है उस मल्टी कल्चरल सोसाइटी को हम तभी एक रख सकते हैं जब हम इस राष्ट्र को सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करें इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में और ये इस बात की पुष्टि और हो जाती है जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में एक निर्णय के माध्यम से कह दिया गया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है आधारभूत ढांचा है और इसे भारतीय संसद संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती है भारतीय संसद चाहे दो तिहाई बहुमत से या किसी भी प्रकार के संशोधन से यह धर्मनिरपेक्षता को समाप्त नहीं कर सकती है इससे संविधान का पूरा ढांचा ही नष्ट हो जाएगा इसलिए भा धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के साथ ही साथ यह संविधान का आधारभूत ढांचा है जिसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित कर दिया गया कि अब इसे संसद दो तिहाई बहुमत या विशेष बहुमत के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती है तो धर्मनिरपेक्षता भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है इसके पश्चात आते हैं संघात्मक सरकार संघात्मक सरकार को भी मैंने जैसे इसमें एकल नागरिकता धर्मनिरपेक्षता संघात्मक सरकार को देखें स्क्रीन पर मैंने लिखा है भारतीय संविधान संघीय सरकार संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है संघात्मक सरकार की क्या आवश्यकताएं वे कौन से बिंदु होंगे कौन से महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी देश की सरकार देश की शासन व्यवस्था यदि उन तत्वों को समावेशित करती है तो हम कह सकते हैं कि उस देश का संविधान संघात्मक है तो किसी भी संघात्मक संविधान किसी भी संविधान को टेस्ट करने के लिए परीक्षण करने के लिए यदि पांच तत्व संविधान में मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान या उस देश का संविधान संघात्मक है हम किसी भी देश के यदि संघीय ढांचे को यदि किसी भी देश के नेचर ऑफ गवर्नमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं कि उस देश के उस देश के सरकार की प्रकृति क्या है या व्यवस्था जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है सरकार की प्रकृति क्या है तो हम पांच तत्वों पर अगर पाए पांच तत्व जो उसके लिए रिक्वायरमेंट यदि वो तो पांच तत्व मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि विश्व का व देश जो इन पांच तत्वों को फुलफिल करता है वह संघीय व्यवस्था संघात्मक सरकार कहा जा सकता है क्या पहला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर मैंने लिखा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता तीसरा लिखा है लिखित संविधान रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन चौथा है संविधान की अन्यम्यता संविधान का कठोर होना और पांचवा है निष्पक्ष न्यायपालिका यदि पांच तत्व विश्व के किसी भी संविधान में मौजूद हैं तो हम विश्व के उस संविधान को कह सकते हैं कि वह संविधान संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है तो अब देखते हैं कि क्या ये पांच तत्व भारतीय संविधान में मौजूद हैं या नहीं है तो हम ये पाते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन है भारतीय संविधान के अंतर्गत आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल दो के अंतर्गत शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है कि पहला है संघ सूची दूसरा है राज्य सूची तीसरा है समोवर्ती सूची आप सभी जानते होंगे कि संघ सूची में जो भी सर्वणित हैं उन विषयों पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है राज्य सूची में वर्णित विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं और जो तीसरी सूची है कंकरेंट लिस्ट समोर्ती सूची उस समर्थी सूची के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं यह संघ सूची में वे विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं राज्य सूची में वे विषय रखे गए जो क्षेत्रीय और समर्थी सूची के वे विषय हैं जो लोकल क्षेत्रीय लोकल मैटर्स हैं जो क्षेत्रीय विषय हैं उनको समर्थी सूची में रखा गया तो संघ सूची में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे कि आपको विदेश मामले विदेशी मामले इस विदेशी मामलों भारतीय सेना से संबंधित सेना से संबंधित जो भी निर्णय होंगे जो भी कानून बनेंगे वह भारतीय संसद बनाएगी मैं संक्षेप में इसको बता दूँ एक मोटा मोटा रफली कि संघ सूची की जब बात होगी तो आप ये समझेंगे कि वे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उसे संघ सूची में रखा गया है जैसे रेलवे है डिफेंस प्रतिरक्षा है विदेशी मामले हैं संचार है इस पर अगर राज्यों को पावर क्यों जानबूझ कर रखा गया कि इसको अगर स्टेट इस को दे दिया जाए और स्टेट किसी समीपवर्ती राष्ट्र से गठबंधन करके उससे मिल करके वह भारत सरकार के विरुद्ध ही अलगाववाद की मांग कर सकता है इसलिए जानबूझ जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन राष्ट्रीय महत्व के विषय पर केवल और केवल संसद को पावर दिया गया कि संसद कानून बनाएगी जो राज्य स्तरीय विषय थे उन विषयों की महत्ता के आधार पर इम्पोर्टेंस के आधार पर राज्य विधानसभाओं को अधिकार दे दिया गया कि वे अपने नागरिकों के लिए कानून बनाएं तो शक्तियों का विभाजन क्या भारतीय संविधान मानता प्रदान करता है पहला जो प्रथम और सबसे ये पांच जो तत्व हैं संघात्मक व्यवस्था के यदि मैं पूछूं या प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि पांच तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है तो इन पांच तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या सबसे उपयुक्त तत्व कौन सा है वह है शक्तियों का विभाजन यदि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो हम यदि शक्तियों का विभाजन नहीं है संघ को यदि नहीं दिया गया पावर की क्या करना है राज्य को नहीं दिया गया कि आपको क्या करना है केवल सारे पावर संघ के पास हैं तो हम उस व्यवस्था को संघात्मक नहीं कर सकते इसलिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है वह पावर को सेपरेट करना आवश्यक है संघ के पास क्या होगा केंद्र के पास क्या होगा राज्य के पास क्या होगा इसको स्पष्ट रूप से विभाजित कर देना आवश्यक है जिससे दोनों में मतभेद दोनों में विरोध उत्पन्न न हो तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान की आर्टिकल टू टू फोर्टी सिक्स जिसमें शक्तियों के विभाजन को सेपरेशन ऑफ पावर को बात किया गया है इन तीन लिस्ट के माध्यम से बता दिया गया है कि किन किन विषयों पर आ, कानून बना सकती है संसद और राज्य विधानसभाएं इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान के प्रथम आवश्यकता की पूर्ति करता है कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस आधार पर यह आक्षेप किया जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक हैं जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लिया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की परामर्श या सिफारिश नहीं ली जाती न तो उससे सलाह मशवरा किया जाता है इस आधार पर आक्षेप किया जाता है राज्य सरकारें आक्षेप करती हैं कि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति के माध्यम से अपनी केंद्रीय नी नीतियों को राज्य पर थोपने का प्रयास करता है जो संघात्मक ढांचे के विरुद्ध विपरीत है और इससे केंद्र यदि वह तब ज़्यादा संभव हो जाता है जब केंद्र और राज्य में दलीय असमानता हो राजनीतिक भिन्नता हो केंद्र में दूसरे दल की राज, दूसरे राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार हो तो ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक विरोध है केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें संविधान लागू होने से ही यह आक्षेप लगाती रही हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र की नीतियों को राज्य पर थोपने का एक महज प्रयास है जबकि इसका अर्थ यह नहीं है इसका यह अर्थ यह है, है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करके राज्यपाल केंद्र के एक अभिकर्ता के रूप में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उस राज्यपाल के माध्यम से केंद्र अपनी बातों को अपनी नीतियों को या राज्य में क्या गतिविधि हो रही है कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है वह राज्यपाल के माध्यम से केंद्र संसूचित होता होने समय समय पर होता है और मैं यहाँ पर ये यह बताना उपयुक्त समझता हूँ आप सभी देखेंगे आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए सिविल आई एस की परीक्षाओं में तो आप पाएंगे कि ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद पद कौन सा है जो जन्म से ही विवादित रहा है वह कौन सा संविधान का वह कौन सा पोस्ट है कौन सा पद है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है संवैधानिक पद है जो जन्म से ही विवादित रहा है तो नाम आता है वह राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में बहुत बहस हो रही थी और बहस इस स्तर की थी कि उसमें कुछ सदस्य यह भी मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति के द्वारा जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए जिससे कि दोनों में समन्वय स्थापित हो सके परंतु संविधान सभा में भी इस बात पर बहुमत बना इस बात पर आम सहमति बनी कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के पास रखा जाए राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श को सलाह को उसमें से निकाल दिया जाए माने की कोई बाध्यता न रखी जाए तो यह एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है सर्वाधिक विवादास्पद पद राज्यपाल का है और सबसे सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान पद और प्रावधान दोनों अंतर है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो सर्वाधिक विवादास्पद पद जो है वह राज्यपाल का है और सर्वाधिक विवादित प्रावधान जो है वो आर्टिकल तीन है थ्री है जिसको हम लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन लागू करना बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करना आर्टिकल थ्री के अंतर्गत जो संविधान के आर्टिकल 356 में प्रावधान किया गया है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो और राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न चलाई जा सके तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर केंद्र की केंद्र कि उस सरकार को बर्खास्त कर वहाँ पर केंद्र के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाए तो ये जो राज्य की सरकार को बर्खास्त करना जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए तो ये प्रावधान एक प्रकार से केंद्र को मजबूती प्रदान करता है इस आक्षेप होता रहा है कि इससे केंद्र मजबूत होता है वह भी एक मिसकसेप्शन है मिसकन्सेपन इसलिए है कि यह प्रावधान यदि नहीं रहे होते यदि ऐसी स्थितियों में आप सोचें कि अगर आर्टिकल तीन नहीं रहा होता तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वह चीन के करीब है और और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सांस्कृतिक आ, जो आ, सांस्कृतिक रूप से उनके जो कल्चर हैं वह चीन से चाइना से मिलते जुलते हैं अगर कल्पना करें कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो वहाँ का मुख्यमंत्री है यदि वहाँ की सरकार है यदि ऐसी स्थितियों में एक परसेंट की अगर स्थिति आए कि अगर राज्य को राज्यपाल या मुख्यमंत्री सूचना केंद्र को न दें और उस अपने समीपवर्ती किसी राष्ट्र से मिल जाए तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के लिए या देश के लिए अपने ही राज्य को बचा पाना मुश्किल होगा इसलिए क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र का मजबूत होना संविधान निर्माताओं के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है और केंद्र को यहीं पर नहीं जहाँ भी संघात्मक सरकार है वहाँ पर भी संघ को ज़्यादा पावर दी गई है चाहे वो अमेरिका ही क्यों अमेरिका में भी संघ को ज़्यादा पावर है यह हम उसी रूप में देख सकते हैं अगर हम परिवार में किसी अभिभावक को गार्जियन अगर, अगर अभिभावक मानते हैं गार्जियन मानते हैं माता पिता को अगर हम मानते हैं तो माता पिता को जो पावर है वह ज़्यादा होना चाहिए अगर बेटा भी मांग करता है कि हम पिता के बराबरी हों तो शायद ऐसी स्थिति में उस परिवार का चला पाना या उस परिवार को एकजुट रह पाना मुश्किल होगा जब हम एक परिवार में मुखिया को चुनते हैं तो इससे अपेक्षा करते हैं कि मुखिया हमारी देख करेगा और हम अपनी कुछ शक्तियों को मुखिया के समझ सरेंडर करते हैं छोड़ते हैं त्याग करते हैं इसलिए ये तभी संभव है उस परिवार को आगे ले जाने के लिए उस परिवार को आगे चलाने के लिए और जब उस परि मुखिया की बात नहीं मानी जाएगी तो निश्चित रूप से वह परिवार विघटन का शिकार होगा परिवार में बंटवारा होगा विघटन होगा ठीक उसी प्रकार से यदि हम देश की बात करें तो देश में एक हमको कहीं न कहीं पे केंद्र को एक बिंदु मान करके हमें अपने कुछ पावर को वहाँ सरेंडर करने होंगे हमें अपनी कुछ लिबर्टी को कर्टिल करके हमें कहीं न कहीं उसको उस सत्ता में विश्वास करना होगा इसलिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है तो शक्तियों का विभाजन मैंने बताया संघ सूची और राज्य सूची समर्थि सूची के विषय पर कि यह भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 246 है वह संघात्मक व्यवस्था को पूर्ण करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था की जो पहली रिक्वायरमेंट है वह भारतीय संविधान पूर्ण करता है दूसरा है संविधान की सरोपरिता संघात्मक व्यवस्था में संविधान ही सरोपरि होता है यदि पूछा जाए स्क्रीन पर आप देखें मैंने स्क्रीन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि संविधान में एक जगह लिखा है उच्चतम न्यायालय दूसरे जगह संसद और तीसरा लिखा है संविधान ये प्राय पूछा जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या भारत में पार्लियामेंट बड़ी है या संविधान बड़ा है तो प्रायः यह छात्र उत्तर देने में गलती करते हैं जो मेरा अपना अध्यापक के रूप में टीचर के रूप में एक्सपीरियंस रहा है वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कोई छात्र बोलता है नहीं पार्लियामेंट बड़ी है तो ये मेरा बताने का स्लाइड बताने का बनाने का एक प्रयास है इस स्लाइड माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारत में न तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है न तो संसद बड़ी है बड़ा है तो संविधान संविधान इसलिए बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पावर संविधान से लेती है भारतीय संसद भी अपने पावर संविधान से लेती है संसद भी वह कानून नहीं बना सकती जो संविधान में उल्लेख न हो उच्चतम न्यायालय भी वो निर्णय नहीं कर सकते जो संविधान में मौलिक अधिकारों के विपरीत हो या प्रभावित करने वाले हों संविधान के विपरीत कोई भी संस्था चाहे वो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं तो हमारा संविधान बड़ा है संविधान सर्वोपरि है और यह और भी पुष्ट हो जाता है केस के माध्यम से आप इसको स्क्रीन पर देखें मैंने बताने का प्रयास किया है बीआर कपूर पूर्व स्टेट ऑफ तमिलनाडु निर्णय इसमें आया कि जनादेश संविधान पर अभिभावी नहीं हो सकता है इस केस में मैं संक्षेप में बताऊं कि तमिलनाडु राज्य में सुश्री जयललिता को मुख्यमंत्री बना दिया गया था चुनाव के पश्चात वह उन्हें बहुमत मिला और बहुमत दल की नेता के रूप में उनको निर्वाचित किया गया और निर्वाचित होने के पश्चात सर, सर्वसम्मति से उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया अब प्रश्न यह था चूंकि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबित थे न्यायालय के समक्ष मामला आया कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर पदासीन किया जा सकता है जिसके विरुद्ध आपराधिक अभियोग मुकदमे दर्ज हैं तो सम, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मामले में इस केस में निर्णय दिया कि जनादेश यदि जनता का आदेश यदि मैंडेट किसी भी सन, जो जनादेश वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है अगर मैंडेट किसी को मिल गया और वह व्यक्ति करप्ट है वह व्यक्ति किसी आपराधिक आरोप में आ, सजा भुगत रहा है या उसके खिलाफ़ आपराधिक अभियोग है तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि, कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आपराधिक होगा आपराधिक प्रवृत्त का होगा इसलिए जनादेश भले ही उसके पक्ष में मिला हो लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम संवैधानिक पद पर परिस पदासीन नहीं कर सकते हैं और अतः उच्चतम न्यायालय के इस निष्कोण से इस बात को और बल मिलता है कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है सर सुप्रीम कोर्ट हो या संसद हो अपने पावर जो है वह संसद संविधान से ही ग्रहण करते हैं अब देखते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है कि जो संघात्मक सरकार है उसमें सम, स्क्रीन पर आप देखें मैंने लिखा है संविधान की अनम्यता अनम्यता मतलब होता है कठोर होना रिजिड होना तो संविधान की अनम्यता जो है यह एक प्रमुख लक्षण है अनम्य होना अनम्य का मतलब रिजिड, आसानी से भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत का आवश्यकता होती है मैंने विशेष बहुमत को भी स्क्रीन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि विशेष बहुमत का तात्पर्य यहाँ पे संबंधित सदन के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति और मतदान करने से है अर्थात यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यदि पाँच सदस्य हैं फाइव सदस्य हैं तो फाइव का टू थर्ड आप जितना निकालें जिस दिन भी संविधान में संशोधन करना होगा लोकसभा या राज्यसभा को राज्यसभा में यदि 250 सदस्य हैं तो 250 का टू थर्ड निकालें और पाँच का टू थर्ड निकालें इतने जो सदस्य उपस्थित होंगे तभी लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक पास हो सकेगा तो एक जटिल प्रक्रिया है एक कठिन प्रक्रिया है इसलिए संविधान में संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है तो यह एक भारतीय संविधान की अनम्यता को मैंने बताया इस पर दो केस मैंने स्क्रीन पर आप देखें दो केस मैंने लिखा है केशवान भारती वर्सेस केरल राज ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी थ्री जिसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया दूसरा केस लिखा है मैंने इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण ए आई आर सुप्रीम कोर्ट ये दो केस के माध्यम से देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो अन्यमता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह संविधान संघात्मक संविधान की जो एक प्रमुख विशेषता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया केसवन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह निर्णय किया कि संविधान की आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है परंतु आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है आधारभूत ढांचे से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं परिभाषित किया कि आधारभूत ढांचे क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत तीन सौ अड़सठ के अंतर्गत जो संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान करती है संविधान संविधान के आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट संसद को संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करती है संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है परंतु आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता समाप्त नहीं कर सकता ये आधारभूत ढांचे क्या हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस टू केस हम इंटरप्रेट करेंगे इवॉल्व करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रकार से विकसित किया गया एक ऐसा मानदंड है जिस मानदंड के आधार पर संविधान संशोधन की संवैधानिकता को परीक्षण किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर संसदीय व्यवस्था डेमोक्रेसी लोकतंत्र विधि का शासन रूल ऑफ लॉ धर्मनिरपेक्षता न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उच्चतम न्यायालय के रिव्यू करने की पावर यह, यह जो मैंने बताया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वे सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत हैं जिस पे भारतीय संविधान अवलंबित है आधारित है इनको निकाल देने से संविधान की आत्मा नष्ट हो जाएगी अर्थात संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है परंतु भारतीय संसद दो तिहाई बहुमत या तीन चौथाई बहुमत से उन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती जिन प्रावधानों के संशोधन से संविधान की आत्मा संविधान का आधारभूत ढांचा समाप्त हो जाए और वह आधारभूत ढांचा जैसा कि मैंने बताया वह संसदीय लोकतंत्र है लोकतांत्रिक व्यवस्था है ऐसा नहीं कहा संसद दो तिहाई बहुमत से कभी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि भारत एक राष्ट्र विशेष भारत जो है यह लोकतंत्र नहीं होगा अब यहाँ पे जो मनारकी होगी ऐसा संसद कोई कानून नहीं ला सकती है संसद के द्वारा लाया गया ऐसा कानून आधारभूत ढांचे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है तो यह दूसरा महत्वपूर्ण केस एक संसद के द्वारा 1975 में स्क्रीन पर आप देखें 1939 मैंने लिखा है थर्टी नाइन्थ संविधान संशोधन अधिनियम नाइनटीन सवेंटी फाइव उनतालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ पचहत्तर केस का नाम है इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण ए आई आर नाइनटीन सवेंटी फाइव सुप्रीम कोर्ट इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण ए आई आर नाइनटीन सवेंटी फाइव ये बहुत ही पॉपुलर केस है और इस बात में घटना क्या घटित हुई आप सभी जानते होंगे कि वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा आपातकाल लागू कर दिया गया था और आपातकाल 25 जून 1975 को आपातकाल लागू इमरजेंसी लागू कर दी गई और आपातकाल लागू कर देने के पश्चात उस समय के तत्कालीन विपक्षी जो नेता थे विपक्षी नेताओं को जेल में निरुद्ध रखा गया और जेल में निरुद्ध रखते हुए उसी दौरान संसद में कई ऐसे कानून बनाए गए जो कोरम के अभाव में भी थे या विपक्ष अनुपस्थित था तो भी कानून बना दिए गए उसमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन था उनतालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस यह संविधान जो 1975 में मिसेज इंदिरा गांधी ने बनाया उसमें एक प्रावधान संविधान में कर दिया कि इन प्रधानमंत्री का चुनाव वैध था वैध है और वैध रहेगा इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है संक्षेप में मैं यहाँ पे इसको बताना चाहूँगा क्योंकि मिसेज गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने चुनाव में धन बल का प्रयोग करते हुए और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया उसी बीच उन्होंने उनको लगा कि विपक्ष उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है उन्होंने संसद में कानून बना करके ये प्रावधान कर दिया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती राज नारायण नाम के व्यक्ति के द्वारा याचिकाकर्ता ने उस संशोधन अधिनियम की उस धारा उस प्रावधान को चुनौती दिया इस आधार पर कि यह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है ठीक दो वर्ष पहले 1973 में केशवान भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशली जो जुडिशियल रिव्यू है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है उसको संसद कानून बना करके भी समाप्त नहीं कर सकती है अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के वैधता संवैधानिकता को रिव्यू करने की समीक्षा करने की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वह वह संविधान का आधारभूत ढांचा है संसद कोई भी कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के अंतर्गत नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को भी इस भारतीय संविधान ने नागरिक संरक्षक कहा है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा है इसलिए यदि नागरिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित कोई कानून संसद पास करती है तो उच्चतम न्यायालय अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय ने नाइन संविधान संशोधन अधिनियम नाइनटीन के को असंवैधानिक घोषित कर दिया और उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें प्रावधान किया गया था कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन वैध था वैध है और वैध रहेगा इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो एक अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व है संविधान की विशेषता के अंतर्गत वह है स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है उस यह हम देखने का प्रयास करेंगे स्क्रीन पर आप देखें भारतीय संविधान के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में माना जा सकता है कुछ ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसे हम देखने का प्रयास करेंगे कि यह स्वतंत्र न्यायपालिका के या उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में स्थापित करने के लिए सहायक साबित हुआ है कैसे मैंने स्क्रीन पर जो है आप इसको देखें तीन प्रावधान उल, इसमें उल्लेख किया है एक है आर्टिकल थर्टी टू दूसरा है आर्टिकल 129 और तीसरा है आर्टिकल 142। तीन ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रहा है पहला आर्टिकल 32 को लेते हैं भारतीय संविधान की आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए प्रावधानित की गई है आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कैसे हम इसको माने कि 32 कैसे स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए सहायक है आर्टिकल 32 टू एक में कहा गया कि उच्च मौलिक अधिकार के उल्लंघन में उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार जो एक खुद एक है खुद ये स्वयं में मौलिक अधिकार है अर्थात राइट टू मूव बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में अतिक्रमण की दशा में उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है व्यक्ति सीधे किसी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में गए मौलिक अधिकारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति सीधे वह सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल थर्टी टू एक के अंतर्गत जा सकता है इसे और बल प्रदान करने के लिए आर्टिकल बत्तीस दो के अंतर्गत लिखा गया कि उच्चतम न्यायालय नागरिक अधिकारों के रक्षा के लिए नागरिक मौलिक भाग तीन में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए कोई भी आदेश या निर्देश अथवा रिट जो पांच प्रकार की रिट हैं बंदी प्रतिक्षिकण हैबियस कार्पस परमादेश वारंटो प्रोहबिशन एंड सेसोराजी बंदी प्रतिक्षिकण परमादेश अधिकार परीक्षा प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये पांच रीटें नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रवर्तन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल बत्तीस दो के अंतर्गत जारी किया जा सकता है यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो अवैध गिरफ्तार किया गया व्यक्ति या उसकी तरफ से उसका अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सीधे प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट संबंधित प्राधिकारी को विवश कर सकती है व्यक्ति को सर्य न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के औचित्य को टेस्ट कर सकती है पूछ सकती है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड अरेस्ट व्हाट ऑन व्हाट ग्राउंड पुलिस ऑफिसर हैज अरेस्टेड दैट पुलिस ने किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है उसके गिरफ्तारी के औचित्य को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत हैबियस कार्पस रिट याचिका के माध्यम से टेस्ट कर सकती है और अथॉरिटी को कंपेल कर सकती है न्यायालय के समक्ष आने के लिए दूसरा है परमादेश रिट याचिका के माध्यम से कैसे हम जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को समझ पाएंगे आप देखें आर्टिकल 32 परमादेश के माध्यम से परमादेश भी एक प्रकार से एक ऐसी रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल आड़, 32 के अंतर्गत उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी कर सकती है जो प्राधिकारी किसी लीगल ड्यूटी का वॉलिशन कर रहा है उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करें कि यदि नगर किसी भी व्यक्ति से जो म्युनिसपल जो म्युनसिपल कॉरपोरेशन है अपने स्थानीय नागरिकों से वाटर टैक्स लेती है जल कर वसूलती है वाटर टैक्स यदि लेती है म्युनसिपल कॉर्पोरेशन तो उसका यह संवैधानिक दायित्व तो है कि वह अपने स्थानीय नागरिकों को प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराए यदि जल प्रदूषण युक्त आ रहा है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है ऐसी स्थिति में जो मानव जो स्थानीय नागरिक हैं यदि उन्हें प्रदूषण युक्त जल मिल रहे हैं तो उस नगर पालिका के विरुद्ध जिसे वह वाटर टैक्स दे रहे हैं वह उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में सीधे केस फाइल कर सकते हैं और उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करेगी परमादेश उस आदेश का नाम होगा परमादेश रिट ऑफ मैंडमस रिट ऑफ मैंडमस जारी करते हुए संबंधित नगर निगम को नगर पालिका को यह विवश कर सकेगी कि चूंकि इस संस्था के द्वारा वाटर टैक्स लिया जा रहा है और अधिनियम के अंतर्गत जो स्टैचुट्री ड्यूटी है उस स्टैचुट्री ड्यूटी को वह सम्यक पूर्वक निर्वहन नहीं कर रही है अतः इसलिए चूँकि प्रदूषण मुक्त जल उपभोग करने का अधिकार व्यक्ति के जीवन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और संविधान की आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है जीने का जो अधिकार है उस जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा यदि प्रदूषण मुक्त जल का कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण मुक्त जल के सेवन करने पर उच्चतम न्यायालय स्वयं आर्टिकल 32 के अंतर्गत रेट ऑफ माइंड परमाधीश परमादेश याचिका के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्ति को या स्थानीय नागरिक को राहत उपलब्ध करा सकता है नागरिकों के मौलिक अधिकार का वह संरक्षण कर सकता है संवर्धन कर सकता है और संबंधित नगर पालिका को निर्देशित कर सकता है तो ये आर्टिकल थर्टी अपने आप में आप देखें और PIL आ जाने से जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाने से जनहित याचिकावाद आ जाने से तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है नागरिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर के वह और भी बढ़ी है आप सभी ये जानते होंगे पी के आ जाने से चूँकि उन्नीस के दशक से जब पी का जन्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पी एन भगवती को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक माना जाता है पी के माध्यम से अब जो लोकस्य स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट है कोई भी व्यक्ति जो समाज हित में पब्लिक इंटरेस्ट में वह रुचि रखता है वह लोक हित के लिए न्यायालय के समक्ष उस मुद्दे को ला सकता है हम जिसे जनहित याचिका के नाम से जानते हैं अब पहले कॉन्सेप्ट था कि जिस व्यक्ति के राइट का वॉलेशन हो रहा वही व्यक्ति सीधे न्यायालय में, में आ सकता है कोर्ट में आ सकता है कोर्ट पूछती थी कि क्या आप सफर हैं क्या आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसको डायलूट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह जो अपने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और वे निर्धन हैं गरीब हैं निर्धनता के कारण वह उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में आने में असमर्थ हैं तो उनकी तरफ से कोई भी समाज का व्यक्ति उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ला सकता है और जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलों में नागरिक अधिकारों की संरक्षा के लिए प्रशंसनीय सराहनीय कार्य किया है हमने आर्टिकल 32 के माध्यम से बताने का प्रयास किया है आप सभी जानते होंगे खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में या हुसैन आरा खातून वर्ष स्टेट ऑफ बिहार के बिहार की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये कहा गया कि जो राइट टू फ्री लीगल एड है राइट टू स्पीडी ट्रायल है ये फंडामेंटल राइट है जीवन के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत कोई मतलब नहीं होगा यदि हमारे पास भोज हमारे पास एफ में जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है जो सरकार की भंडारण जो भंडारण भंडार, भंडार गृह है वहाँ पर यदि अनाज सड़ रहे हैं और बावजूद उसके भूख से मौत हो रही है तो जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं है जीने के अधिकार की गारंटी का कोई मतलब नहीं है उन व्यक्तियों के लिए जो अप, जो दो वक्त की रोटी खा पाने में जुटा पाने में असमर्थ है निर्धनता के कारण गरीबी के कारण इसलिए ऐसी स्थितियों में पी यू सी एल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर टू थाउजेंड वन सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका दायर की गई कि उड़ीसा के कालाहांडी हांडी के ओझर जैसे मयूरभंज जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर निर्धनता गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग खान लोग भूख से मरने लगे उस उस उस, उस, उस आ, मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया और जनहित याचिका दायर करने वाली जो संस्था है पी यू सी एल पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी उसने इस आ, उस घटनाक्रम को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया कि हमारी जो सरकारी संस्था है एफ फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो फूड ग्रेन प्रिजर्वेशन के लिए संरक्षण संवर्धन के लिए स्थापित की गई है वहाँ पे अनाज जो है बेकार हैं पड़े हुए हैं बावजूद हमारे गरीब जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं गरीब निर्धन व्यक्ति हैं उनके तक भोजन सप्लाई नहीं हो पा रही भूख से मर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू फूड है भोजन का जो अधिकार है यह भी संविधान के आर्टिकल इक्कीस में जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी व्यक्ति जो जीने के अधिकार की हम गारंटी देते हैं यह स्टेट की लाइबिलिटी है राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जान माल की सुरक्षा करे और विशेषकर उन लोगों को जो निर्धनता के कारण भोजन प्राप्त करने में समर्थ हैं उनको भोजन उपलब्ध कराना यह स्टेट की लाइबिलिटी है यह आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत देखिए रोटी कपड़ा और मकान ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं यह राइट टू लाइफ जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा मौलिक अधिकारों को हम कितने भी स्वर्णाक्षरों में क्यों लिख दें उन मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं होगा कोई अर्थ नहीं होगा यदि हम आर्टिकल बत्तीस के माध्यम से उसको परिवर्तित न करें तो और यह डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आ, किस प्रावधान को किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है यदि इसको निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान निष्प्राण हो जाएगा और वह निष्प्राण डेड माना जाएगा तो संविधान जब बी आर अम्बेडकर ने स्वयं कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है तो मेरे राय में भारतीय संविधान की आर्टिकल बत्तीस सबसे महत्वपूर्ण है एंड दैट इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह संविधान की आत्मा है इसके अभाव में हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकती और वास्तव में सही भी है मौलिक अधिकार भाग तीन के अंतर्गत जो प्रावधानित किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों को चाहे वह जीने का अधिकार हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो समानता का अधिकार हो यदि कहीं पर असमानता का व्यवहार किया जा रहा है कहीं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है यदि रिड्रांस यदि ग्रीवांश रेडिएशन मैकेनिज़्म ना हो आर्टिकल बथ बत्त, जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार की गारंटी प्रदान करती है यदि ये अधिकार न हो तो उन अधिकारों को लिख देने मात्र से वे सभी अधिकार मीनिंगलेस होंगे अर्थविहीन हो जाएंगे तो हम कहने का मतलब है कि मैंने विस्तार से आर्टिकल थर्टी टू को भी बताने का प्रयास किया आर्ट अब देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के दो और भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रतिस्थापित करने में सहायक हैं दूसरा है आर्टिकल वन ट्वेंटी नाइन और तीसरा है आर्टिकल वन फोर्टी टू तो अब देखते हैं आर्टिकल वन ट्वेंटी नाइन क्या है जैसा कि आप सभी जानते होंगे आर्टिकल वन ट्वेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज करता है संविधान के आर्टिकल वन ट्वेंटी नाइन के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखी न्यायालय होगा अर्थात अभिलेखी न्यायालय होने के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक होता है अभिलेखी न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से तात्पर्य उस न्यायालय की समस्त कार्रवाइयाँ निर्णय और कार्रवाइयाँ लिखित होंगी और ऐसे न्यायालय को अपने निर्णय की अवमानना के लिए दंड देने की पावर होती है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के अंतर्गत अपनी अवमानना के लिए दंड देने की पावर भी है और सुप्रीम कोर्ट की समस्त निर्णय और कार्रवाइयाँ लिखित होती हैं यदि कंटेम्प्ट कोर्ट ना हो यदि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को लागू कराने के लिए अवमानना की दंड देने की शक्ति ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी अवहेलना हो सकती है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के को संविधान निर्माताओं के द्वारा ये पावर दिया गया वन ट्वेंटी नाइन के माध्यम से कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश उतने ही प्रभाव उतने ही बल रखेंगे जितना कि संसद के द्वारा बनाई गई कानून संसद के द्वारा बनाई गई विधि का महत्व होता है उतना ही महत्व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का भी होता है और आर्टिकल वन के अंतर्गत जो कंटेम्प्ट कोर्ट है यह सुप्रीम कोर्ट के पास अपने निर्णय को लागू करवाने का सबसे सशक्त माध्यम है यदि ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट का प्रावधान न किया गया होता आर्टिकल वन के अंतर्गत कंटेमनर को निर्णय को उल्लंघन करने वालों को दंड देने की शक्ति नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी कोई मतलब नहीं रह जाता इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने न्यायालय अपने निर्णय की अवमानना के लिए दंड देने की पावर रखता है हम इसको 129 के अंतर्गत देख सकते हैं और यदि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर होगा यह लिखा है संविधान के आर्टिकल 141 वन के अंतर्गत अर्थात लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स विद इन ट्रेटरी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि दिया गया निर्णय भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर होगा फोर्टी वन में कहा गया है तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय सभी पर बाध्यकर होगा और मैंने जैसा कि बताया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो हैं दिशा निर्देश वे विधि के संसद के द्वारा बनाए गए विधि के समान माने जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया विशाखा केस है विशाखा वर्ष स्टेट ऑफ राजस्थान ए आई आर के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के विरुद्ध किए गए सेक्सुअल ऑफेंस को रोकने के लिए यह दिशा निर्देश दिया गया और उसमें यह निर्णय किया गया सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जब तक इस मामले पर कानून न बन जाए जब तक संसद के द्वारा इस मामले पर विधि न बन जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश देश के लिए कानून का बल रखेंगे तो आप सभी इस चीज़ को देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल वन के अंतर्गत उसके इंडिपेंडेंस को कैसे सुरक्षित रखा गया है उसके स्वतंत्र न्यायपालिका की पुष्टि करता है प्रावधान 129। तीसरा प्रावधान मैंने स्क्रीन पर जो लिखा है वह है आर्टिकल 142 142 के अंतर्गत आप देखें कि आप सभी को मालूम होगा कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय का सिद्धांत है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल वन फोर्टी के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय कोई भी अप्रोप्रिएट कदम उचित कदम उठा सकता है और संविधान के आर्टिकल वन फोर्टी उच्चतम न्यायालय को इतनी विस्तृत वाइड पावर देती है डिस्कशन विवेक देती है कि दो पक्षकारों के मध्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कंप्लीट जस्टिस एनश्योर करने के लिए कोई भी उचित कदम उठा सकती है हम इसको दृष्टांत के माध्यम से समझने समझाने का प्रयास करेंगे आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐसा संवैधानिक संकट आया कि जब पहली बार ऐसा हुआ कि एक राज्य में एक ही समय में दो मुख्यमंत्री हो गए और उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा संवैधानिक संकट आया कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के साथ ही साथ जगदमिका पाल को भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नियुक्त कर दिया गया अब ऐसी संवैधानिक क्राइसिस में कि मुख्यमंत्री कौन माना जाए उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बल्क परंतु सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यदि ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल एन उत्पन्न हो सकती है या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार यह कहा गया कि सदन के भीतर स्पीकर कार्रवाई कंडक्ट करें मतदान कराएं और पूरी सी तैयार किया जाए पूरी रिकॉर्डिंग तैयार की जाए और सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए जिससे हम देख सकें कि अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई है वह किसके पक्ष में वोटिंग हुई है मतदान हुआ है और कौन उसमें उस रिकॉर्डिंग की भी निष्पक्षता को निष्पक्षता को जांच करने के लिए ऐसा माना गया कि यह जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का यह विधायिका में हस्तक्षेप माना गया कि विधायिका के क्षेत्र में विधायी कार्यों में न्यायालय का हस्तक्षेप है परंतु न्यायालय का हस्तक्षेप न मानते हुए आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप न करे तो आप समझ सकते हैं कि राज्य विधानसभाओं में ऐसे संकट उत्पन्न होने पर उसका दुष्परिणाम कितना हो सकता है ऐसे ही झारखंड विधानसभा के अंतर्गत एक स्थिति उत्पन्न हुई झारखंड विधानसभा में भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए उसको भी माना गया कि जुडिशियल इंटरवेंशन है विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप है अब आप को इन तीन प्रावधानों के माध्यम से आर्टिकल 32, 129, 142 के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र न्यायपालिका है और उसके निर्णय भारत के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर हैं तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो संघात्मक सरकार है उसके ये पाँच तत्व हैं और अब हम ये देखें कि क्या पाँच तत्व संविधान में हैं तो ये पूरी की पूरी बात जो पांच तत्व हैं यह भारतीय संविधान में पूर्णतः समावेशित किए गए हैं अतः तो कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है तो संघात्मक सरकार हमारे भारतीय संविधान संघात्मक है एकात्मक नहीं है यह विशेषता भी हम इस पांच तत्वों के माध्यम से और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है जैसा कि हमने बताया आपको आप स्लाइड पर मैं आपको एक रिकैप कर दूं कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसमें मैंने आपको लिखित संविधान संसदीय लोकतंत्र एकल नागरिकता धर्मनिरपेक्षता संघात्मक सरकार नम्यता और अनम्यता का मिश्रण स्वतंत्र न्यायपालिका और वयस्क मताधिकार बताया एक तत्व इसमें जो और भी रह गया वयस्क मताधिकार या स्क्रीन पर आप देखें मैंने प्रथम स्लाइड में ही दिखाने का प्रयास किया भारतीय संविधान की एक जो प्रमुख विशेषता है वह है वयस्क मताधिकार जो अंतिम में मैंने लिखा लास्ट में वयस्क एडल्ट फ्रेंच वयस्क मताधिकार आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल तीन सौ छब्बीस थ्री ट्वेंटी सिक्स यह प्रावधान करती है कि राज्य के द्वारा बिना किसी धार्मिक अथवा जातिगत भेदभाव के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसको चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का भाग लेने का अधिकार होगा अर्थात फंडामेंट वयस्क मताधिकार मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है इससे दो बातें क्लियर हो गई कि ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है बिना जातिगत अथवा धार्मिक भेदभाव के मतदान करने का अधिकार देता है एक बात तो ये हो गया दूसरा यहाँ पर छात्रों के लिए जानना यह भी आवश्यक हो गया आप ये भी समझ लें कि जो हमारा जो वयस्क मताधिकार है यह राइट टू वोट है जो मत देने का अधिकार है यह मतदा मतदान का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है यह मात्र संवैधानिक अधिकार है संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि यह आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत प्रदान किया गया है यदि मौलिक अधिकार होता तो निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान के भाग तीन में दिया गया होता और भाग तीन में न देकर के आर्टिकल तीन सौ छब्बीस थ्री ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत इसे प्रावधानित किया गया है दूसरी बात छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है इस संस्थान पर मैं बता देना चाहता हूँ जो संविधान की उद्देशिका है जो प्रियम्बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया है कि यह भारतीय संविधान नागरिकों को समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए तो जो सामाजिक न्याय है आर्थिक न्याय है जो राजनीतिक न्याय तीन प्रकार के जो न्याय वर्ड यूज किया गया प्रस्तावना में भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक न्याय कैसे संविधान उपलब्ध कराएगा उसका सबसे सर्वोत्तम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह है मतदान का अधिकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी धार्मिक अथवा जातिगत भेदभाव के जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है अपने अभ्यक्ति के माध्यम से अपने मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधि को चुन सकता है यह जो वयस्क मताधिकार है मतदान का अधिकार है आर्टिकल तीन के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है और संवैधानिक अधिकार के साथ साथ यह स्टैचुट्री राइट है लीगल राइट भी है जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ है पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना है उस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से अधिक अठारह वर्ष से अधिक आयु का है वह मतदान कर सकता है तो राइट टू वोट हमने बताया कि यह संवैधानिक अधिकार है साथ साथ विधिक अधिकार भी कर सकते हैं परंतु मौलिक अधिकार नहीं है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में पहली बार कहा गया केस का नाम है अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ अंकुर चंद्र प्रधान की केस में अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मतदान का जो अधिकार है यह फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि लीगल राइट है विधिक अधिकार है और इसको निर्बंधित किया जा सकता है इसको कर्टल किया जा सकता है और आप सभी जानते होंगे कि जो ये व्यक्ति जो दोसिद्ध हैं जो दो सिद्ध कैदी हैं दो सिद्ध व्यक्ति हो गया सजा दे दी गई है दो वर्ष से अधिक का दो सिद्ध किया गया व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है वोट नहीं डाल सकता है इसलिए अगर राइट टू वोट होता मन फंडामेंटल राइट होता तो उनको भी मतदान का अधिकार होता विचाराधीन कैदी जो हैं उनको मतदान का अधिकार होता है क्योंकि वे अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं परंतु जो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं जो दोसिद्ध कैदी हैं उनको वयस्क उनको मताधिकार से वंचित किया गया है तो ये मैंने बताने का प्रयास किया कि आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स के माध्यम से न केवल भारतीय नागरिकों को बिना किसी जा, जा, बिना किसी जातिगत धार्मिक भेदभाव के मतदान करने की स्वतंत्रता गारंटी प्रदान की गई है साथ ही साथ प्रस्तावना में व्यक्त की गई या सब प्रस्तावना में परिकल्पित राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वयस्क मताधिकार को संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत समावेशित किया गया है तो अब मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित संविधान का होना संसदीय लोकतंत्र और एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप धर्मनिरपेक्षता संघात्मक सरकार और नम्यता और अनम्यता का मिश्रण स्वतंत्र न्यायपालिका वयस्क मताधिकार यह जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ हैं मैंने आपको संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि संविधान के किस किस प्रावधान के अंतर्गत ये विशेषताएं दी गई हैं और ये विशेषताएं विश्व के किन किन लोकतांत्रिक देशों से लेकर के अपने इस भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया है तो यह सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन इस संविधान की प्रमुख विशेषताओं के जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यदि इस व्याख्यान को व्याख्यान को आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे समझने का प्रयास किए होंगे तो निश्चित रूप से जो पहला ही क्वेश्चन होता है प्रारंभिक परीक्षा में प्री प्री एग्जामिनेशन में और मुख्य परीक्षा में भी जो पूछे जाते हैं मैंने उसको बताने का लॉजिक के रूप में आप निबंध के रूप में ऐसे के रूप में अगर इस तरह की कोई बातें आती हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं वयस्क मताधिकार क्या है तो जितना हम इसको वाइड करेंगे और संविधान की प्रमुख विशेषता को लेकर के मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से सभी छात्र निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और अपने किसी भी परीक्षा के लिए वह चाहे वह उनका ग्रेजुएशन एल बी का स्तर हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो तैयारी कर रहे हों निश्चित रूप से हिंदी भाषी के छात्र सफल होंगे इस कामना के साथ इस विश्वास के साथ मैं इस अपने लेक्चर को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद